नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। प्रदेश का तापमान विश्व में रिकॉर्ड बना रहा है। कल फलोदी का तापमान 50 डिग्री रहा, जो विश्व में सबसे अधिक गर्म जिला दर्ज किया गया। आज भी प्रदेश के 22 जिलों में मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्म तीव्र हीट वेव लू चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, इस गर्मी के सीजन में पहली बार तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान फलोदी में 50 डिग्री दर्ज किया गया। जैसलमेर बाड़मेर के रात के तापमान में 34 से 35 डिग्री के बीच रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 60 डिग्री अधिक था। प्रदेश में चल रहे सीवियर हीट वेव और गर्म रात का यह दौर आगामी 2 से 3 दिन और जारी रहेगा। अगले 48 घंटे से 72 घंटे के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। 28 और 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से सीवियर हीट वेव का जो दौर चल रहा है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। जिन जिलों का तापमान 46 से 47 डिग्री रिकॉर्ड हो रहा है, उन जिलों के तापमान 45 डिग्री करीब रिकॉर्ड होगा। रेड अलर्ट जिन जिलों में अगले 2 से 3 दिन के लिए जारी किया गया है, उनमें कमी दर्ज होने की पूरी संभावना है। जून महीने के पहले सप्ताह की बात करें तो तापमान सामान्य के करीब रहने की संभावना है। जून के पहले सप्ताह में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी और आंधी भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नितिन गडकरी को 4 लाइन हाईवे बनवाने की मांग की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर रणथंभौर सर्किल से गणेश धाम तक 4 लाइन हाईवे बनवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 4 लाइन हाईवे से पर्यटकों को सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। वर्तमान में अमीर सर्कल से गणेश धाम तक सिंगल रोड बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने सवाई माधोपुर में जिला सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की अनियमितता सामने आई। अनियमितता सामने आने पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिला अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ले। जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने घोटाले की जाँच की बात कही। किरोड़ीलाल मीणा ने 1146 करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना, जयपुर में गांधीनगर स्थित ओल्ड MRIC कैंपस पर राजकीय कॉलोनी की पुरनी विकास योजना के नाम PPP मॉडल पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में जताई है। इस प्रोजेक्ट में कुछ अफसरों पर RIDC से सांठगांठ कर काली कमाई करने का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र लिखा। राजस्थान में दोनों चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोगों को अब 4 जून का इंतजार है, जब प्रदेश की सभी सीटों का रिजल्ट सामने होगा। लेकिन इन दिनों फलोदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासी को गर्मा दिया है। जाने क्या है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ताजा भाव। बता दें, चूरू लोकसभा सीट पर भाजपा के देवेंद्र झांझड़िया और कांग्रेस के राहुल कसावा चुनावी मैदान में है। यह सीट राजस्थान में बहुत अहम मानी जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि कौन सा प्रत्याशी यहां बाजी मारता है। फिलहाल फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के जो रेट लगाए हैं, उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। बता दें कि सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र झांझड़िया का ताजा भाव 1.25 रुपए और कांग्रेस के राहुल कसावा का रेट 60 से 70 पैसे लगा रखा है। आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का रेट कम होता है, उसके जीतने के आसार उतने ज्यादा होते हैं। बहरहाल सट्टा बाजार जो भी कहे, लेकिन इस सीट की पूरी तस्वीर 4 जून को साफ हो पाएगी। प्रदेश में बढ़ते हीट वेव के कारण आमजन का हाल बेहाल है। प्रतिदिन बढ़ते तापमान के कारण आमजन का घरों से निकलना मुश्किल हो रखा है। किसी आवश्यक काम को लेकर ही आमजन बाजार में आ जा रहे हैं, अन्यथा सभी लोग घरों में सुरक्षित रूप से बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी से आमजन को बचाने के लिए ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। परिषद प्रशासन की पहल के चलते शहरी क्षेत्र की सड़कों पर दमकल की गाड़ी के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं परिषद सभापति नरेश कनौजिया तथा परिषद आयुक्त श्रवण चौधरी की सकारात्मक सोच के चलते आमजन को भीषण गर्मी से बचाने तथा उन्हें ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए शहर में जगह जगह छाया हेतु टेंट लगवाए जा रहे हैं, जहां पर पैदल चलने वाले राहगीरों को छाया तथा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त नेक काम के लिए शहर के कई भामाशाह भी अपना सहयोग कर रहे हैं। नगर परिषद तथा भामाशाह की ओर से छाया के लिए लगवाए गए टेंटों में गर्मी से परेशान लोग थोड़ी देर रुककर राहत महसूस करने के बाद ठंडा पानी पीकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना का सबको इंतजार है। इधर भाजपा ने लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा चुनाव प्रबंधक समिति से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों की रविवार को बैठक हुई। बैठक में चुनावी मतगणना को लेकर किए जाने वाले इंतजाम को लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 6 चरण खत्म हो चुके हैं और अब 1 जून को आखिरी चरण के चुनाव होने हैं। राजस्थान में पहले चरणों में 19 और 26 अप्रैल को चुनाव हुए। इसके बाद सभी नेता दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए चले गए। वहां भी लगभग पोलिंग होने के बाद ज्यादातर नेता लौट आए हैं। अब कुछ राज्यों में आखिरी चरण में 1 जून को चुनाव होगा। चुनाव के बाद 4 जून को मतगणना होगी। मतगणना के दौरान भाजपा की ओर से
पूरी नजर रखी जाएगी। इसको लेकर बीजेपी की ओर से व्यापक तैयारी की जाएगी। तैयारियों के सिलसिले में भाजपा चुनाव प्रबंधक कमेटी से जुड़े वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय से पल पल की नजर रखी जाएगी। इसके लिए प्रदेश कार्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश में सभी 25 लोकसभा सीटों पर होने वाली मतगणना के दौरान प्रत्येक राउंड की गणना के साथ ही उतार चढ़ाव पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम में सीट वाइज कार्यकर्ता बिठाए जाएंगे, जो कि जिले में मतगणना स्थल पर लगे कार्यकर्ताओं से हर पल की जानकारी लेते रहेंगे। इस दौरान जहां जरूरत होगी वहां मदद पहुंचाई जाएगी। बैठक में मौजूद पद अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी की जानकारी दी गई। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह है वीडियो, आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।